नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट पर। मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। हाल ही में अब उपचुनाव एक तरफ उत्तर प्रदेश में होने हैं तो वहीं विधानसभा चुनाव जो हैं वो भी यहाँ पर नज़दीक हैं। अगर खासतौर पर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो देखिए महाराष्ट्र में इस समय समीकरण लगातार काफ़ी अलग अलग देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पुरजोर तरीके से कोशिश यहाँ पर की जा रही है, 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात लगातार चल रही है, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हो रहे हैं, कहीं जहाँ पर उम्मीद थी कि गठबंधन हो सकता है वहाँ पर गठबंधन होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी खासतौर पर, क्योंकि देखिए दो विधायक वहाँ पर ऑलरेडी हैं, अब लगातार पैर पसारने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं एक बार वहाँ पर अपनी जो पूरी ज़मीन है उसको तैयार किया जा सके, लेकिन समीकरण प्रॉपर नहीं बैठ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस सपा को सीटें देती है, उसके बाद जब उपचुनाव जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में उसमें सपा को सिर्फ सपा 2 सीट देती है कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है। अब स्थिति जो है महाराष्ट्र में वो काफ़ी डामाडोल हो चुकी है। इससे आप समझ सकते हैं कि अभी समाजवादी पार्टी कोशिश तो पूरी कर रही है लेकिन उस कोशिश का नतीजा है वो कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है। अब नतीजा कैसे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो समीकरण बन रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ के समीकरण क्या कुछ कहते हैं ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी बताएंगे। पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, इस तरीके से महाराष्ट्र की अगर हम खासतौर पर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है अपने पैर पसारने की, क्या लगता है कि समीकरण बन सकते हैं, सीटों पर बंटवारा हो सकता है? देखिए सीटों का बंटवारा का पेच फंसा हुआ है लेकिन संभावना है, जो 4 नवंबर को नामांकन वापसी का आखिरी तारीख है। अभी समाजवादी पार्टी पूरी जो दबाव की राजनीति होती है वो दबाव की राजनीति कर रही है और ये बात पहले भी हरियाणा के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद ही साफ हो गया था। जो समाजवादी पार्टी अब काफ़ी एग्रेसिव मोड में खेलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट झटकने की कोशिश करेगी, तो इसका जो इसमें समाजवादी पार्टी कामयाब भी होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया। 9 सीटों पर चुनाव होने वाला, 9 में से एक भी सीट कांग्रेस के हाथ नहीं लगा और समाज और बाद में कांग्रेस को ये कहना पड़ा जो हम जो है सो हम लोग का मकसद चुनाव ये उपचुनाव में जीतना है किसी भी सूरत में, चाहे वो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैंडिडेट जो है सो हमारा जो अलायंस है उसे इंडिया गठबंधन का, तो उसी दबाव की राजनीति की तरह अखिलेश यादव ने वहाँ समाजवादी पार्टी की जो मांग थी वो समाजवादी पार्टी लगातार 5 सीटों का डिमांड कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने और जो MBA महागठबंधन है उसने इनको 2 सीटों का ऑफर किया था, तो दो सीट तो तय है जो ये चुनाव लड़ ही रहे हैं। अब क्या है और राजनीतिक दबाव के लिए समाजवादी पार्टी ने वहाँ अपने 9 प्रत्याशियों को उतार दिए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को अंदरूनी खाने से जो मुझे सूत्रों से हवाले से समाजवादी के पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है उसमें है जो समाजवादी पार्टी है जो कम से कम उसे 5 सीट मिल जाए ताकि उसके बाद वो 4 तारीख को जो नामांकन वापस लेने का है उस दिन उनके जो बाकी 4 प्रत्याशी हैं जो 9 में से 5 आप माइनस कर दिए तो 4 बचते हैं, 4 जो है सो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा देखने वाला, क्योंकि ये तय है जो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र में किया है उससे ये साफ है जो इनका इंडिया गठबंधन का वोट बैंक है उस वोट बैंक पे उनकी नज़र है और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बाहुल इलाका है वहाँ से अपने कैंडिडेट को उतारे हैं और उनमें से भी उनकी अगर आप संख्या देखें 9 में से तो संख्या देखें तो उसमें मुस्लिम ज़्यादा उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी कोशिश तो पूरी कर रही है, अब महाराष्ट्र में समीकरण बैठाना कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए महाराष्ट्र में समीकरण तो बैठेगा ही क्योंकि इनका देखिए इनका मेन मकसद अगर आप अलग होकर आप चुनाव लड़ते हो और वोट काटने का आप करते हो, जैसे मैंने पहले बताया आपको जो अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ होता है और वहाँ से इंडिया गठबंधन के भी मान लीजिए शरद पवार गुट के NCP का या फिर उद्धव ठाकरे के शिवसेना का या कांग्रेस का कोई प्रत्याशी के खिलाफ वो चुनाव मान लीजिए वो फ्रेंडली फाइट भी होता है तो लेकिन फ्रेंडली फाइट भी इतना फ्रेंडली नहीं होगा क्योंकि वोट का मार्जिन सो अगर थोड़ा सा भी हुआ ऊपर नीचे बाएं दाएं हुआ तो फिर इंडिया गठबंधन के जो है सो खेल हो जाएगा। लेकिन देखिए अब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं वहाँ पे समाजवादी पार्टी पूरी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, महाराष्ट्र की अगर हम खासतौर पर बात करते हैं कौन सी पार्टी वहाँ मजबूती के साथ आ सकती है? देखिए महाराष्ट्र चुनाव काफ़ी टफ फाइट है, जो बोलते हैं नेक टू नेक फाइट है और कहना भी बड़ा बहुत ही जल्दी होगा जो किस पार्टी का यह है, क्योंकि दोनों पार्टियाँ दावा कर रही है जो हमारी जो स्थिति है सो काफ़ी हम मजबूत हैं और सत्ता में वापसी के लिए, लेकिन ये है कि जो अभी तक जो सीटों का बंटवारा का हमने देखा चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे या फिर NDA अलायंस है महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो तो वहाँ दोनों में जो
जिनको टिकट नहीं मिला या टिकट पे जो पार्टियों के बीच आपस में समझौता नहीं हो पाए तो वो जो बागी उम्मीदवार हैं वो इनके खेल समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए अभी भी जो दोनों गुटों का, दोनों दलों का, जो आपको इंडिया गठबंधन या फिर इंडिया अलायंस को हम देखें तो दोनों है जो अपने अपने जो उनके गठबंधन के घटक दल हैं उनको वो समझाने बुझाने का और सीट पे अलायंस करने की वो कोशिश में कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे सीट हैं जहाँ पे कि दोनों गठबंधन में पेच फंसा हुआ है और अगर वो उसको ये गुत्थी को नहीं, ये पेच इसको नहीं सुलझा पाते, ये गुत्थी को नहीं सुलझा पाते हैं तो दोनों के लिए लेने का देने वाली स्थिति बन जाएगी। लेकिन ऐसे उम्मीद की जा रही है जो आपको 4 तारीख सोमवार को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, उससे पहले इसको दोनों जो गुट है वो इसको गुत्थी को सुलझा लेगी। बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए बीजेपी की अभी सब जो अपने अपने गुट को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिनको सीट के शेयरिंग पे जो इनका फार्मूला था वो फार्मूला जो फेल हो रहा है या फिर आप देखें तो उस हद तक जो इन्होंने जिन्होंने बनाया था उस हद तक नहीं हो पाया तो उसको सुलझाने की कोशिश हो रही है। अब जैसे आप यहाँ देखें तो कांग्रेस पिछले बार सबसे ज़्यादा, पिछले बार से कम सीट पे इस बार चुनाव लड़ रही है, बीजेपी को भी देखें तो बीजेपी भी पिछले बार के मुकाबले इस बार कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो ये दोनों जो बड़े दल हैं, दोनों बड़े दल का अपना लचीला इन्होंने रुख अपनाया है और इनका कोशिश है जो किसी भी सूरत में एकजुट होकर हम काम करें। और जहाँ तक चुनाव में किस रणनीति से ये लोग उतरेंगे तो ये रणनीति लगभग साफ है। जो बीजेपी का लगातार कहना ये है जो मरोगे तो कटोगे, तो इन्होंने अपना एक तरह से उसको स्लोगन चुनावी स्लोगन बना लिया है और इस स्लोगन को जो सबसे बड़ी खबर है, इस स्लोगन को जो संघ से भी सहमति मिल गई, संघ प्रमुख ने खुद इसके खुद उन्होंने भी इसकी वकालत की है और ये इनका जो इनका स्लोगन है ये महाराष्ट्र में भी, सॉरी हरियाणा में भी ये कामयाब होता दिखा था। तो वो विकास के साथ साथ जो इनकी सरकार का जो शिंदे सरकार का जो कार्यकाल है उसको और उससे पहले जो आप फडणवीस की सरकार थी तो उनके कार्यकाल में क्या काम हुए तो उसको वो गिनाते हुए और क्या क्या उनके पास उनका लक्ष्य है जो आने वाले चुनाव में वो अगर जीतते हैं उनकी सरकार बनती है तो वो क्या क्या करेंगे, जन कल्याण के क्या काम है होगा, तो इस पे तो उनका फोकस है। वहीं अगर हम इसकी बात करें कांग्रेस गठबंधन महाराष्ट्र ये महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दल ये है जो MBA इसका जो PDA का जो फार्मूला है, PDA का फार्मूला इनका है और उस फॉर्मूले पे ही ये आगे बढ़ रहे हैं। संविधान बचाओ और ये सब का जितना भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो नारे दिए थे तो उसी पे वो लोग जा रहे हैं। हाँ दिक्कत ये है जो टिकटों का बंटवारा जिस तरह से हुआ, जिस तरह से उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हो गया। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, अगर सीट मिल भी जाती है जीतना आसान हो पाएगा वहाँ पर? देखिए ये उस समय में होगा अगर समाजवादी पार्टी को, मान लीजिए समाजवादी पार्टी के दो पे तो सहमति, दो सीट पे सहमति बनी हुई है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिलती है और 5 सीट पे तय हो जाता बात या 4 सीट पे तय बात हो जाता है तो अगर ये एक अम्ब्रेला के अंदर ये चुनाव लड़ते हैं, इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के अलायंस के तहत अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है तो टफ फाइट होगा। उसके बाद हो सकता है जो उनका उम्मीदवार जो जैसे पार्टी उम्मीद कर रही है, जो अगर हम 5 सीट पे चुनाव लड़ते हैं तो पिछले बार हमारा दो हमारे विधायक जीते थे तो इस बार हो सकता है जो उनकी संख्या 3 हो जाए 4 हो जाए तो कम से कम समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद है जो वो इस तरह करे और समाजवादी पार्टी के यह जो एक क्षेत्रीय दल से हटके वो एक राष्ट्रीय दल बनने की कोशिश कर रही है, कम से कम लोकसभा चुनाव के बाद जो उनका उनका जो लेवल है, उनका मॉरल जो है सो जिस तरह हाई है उस तरह से उनका उनकी महत्वाकांक्षाएँ नजर आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब देखिए सीट कितनी मिलती है ये वक्त बतालेगा, लेकिन जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी ताल ठोकी जा रही है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब महाराष्ट्र में पैर पसारने की कोशिश हो रही है। अब ये वक्त बताएगा कि वहाँ की पार्टियाँ कितना सपोर्ट करती हैं समाजवादी पार्टी को और अगर सीट मिलती भी है जीत होगी या नहीं, ये फिलहाल थोड़े दिनों का इंतजार है और उसके बाद चीज़ें साफ होंगी। अभी कैसे कहते हैं।